हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। मैं फिर से आपके सामने आ गया हूँ लाइव, और इस बार लाया हूँ आपके लिए कैलीग्राफी। ये कैलीग्राफी कैसे किया जाता है वो हम अभी हम आपके सामने लिख कर हम आपको बताएंगे। तो प्लीज़ करके आप देखते रहिए हमारे वीडियो को कि ये आप देख सकते हैं। ये है, ये केमल का आर्टिस्ट एक्रिलिक कलर। इसको मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने डाल दिया। वेलकम नीलिमा गुप्ता। अब इसमें हमने ये वाटर है, थोड़ा सा इसमें वाटर मैंने डाला, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे। और इसको अभी भी थोड़ा ये ज़्यादा ही है, इसको मैंने निकाल दिया। ये देखिए, ये एक्रीलिक कलर है, इससे हम अभी कैलीग्राफी करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि हमारा देश और कंट्री से सबसे अच्छा है, तो यहाँ पे इस पेपर पे होना चाहिए मेरा भारत महान। मैं यही चीज़ अभी आपके सामने लिख के दिखाऊंगा। अभी आप देखेंगे कि इस पेपर पे कहीं भी पेंसिल का निशान नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं फ्री हैंड मैं काम करूँगा। तो इसके लिए ये है फ्लैट ब्रश है, और ये है लॉन्ग ईयर ब्रश। तो हम ये दोनों से लिख के आपको हम दिखाएंगे कि दोनों से लिखा जा सकता है। तो अभी हम शुरू करते हैं मेरा भारत महान, ठीक है? इसको मैं हिंदी में ही लिखूंगा, मेरा भारत महान। ये देखिए कितनी लाइन सीधी जा रही है। इसको थोड़ा सा हम स्टाइल में लेंगे, और ये आप भी लिख सकते हैं। अगर थोड़ा सा अगर आप अभ्यास करें तो आप आसानी से लिख सकते हैं। और ये आप एक्रीलिक पेंट में, पोस्टर कलर में और एनेमल पेंट में आप लिख सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा ये लिखाया माँ। ये देखिए अभी हमने रॉ लिखा है, इसको मैं पहले ये मात्रा ही दूंगा, मेरा। ये देखिए कितना सुंदर से ये लिखा जा रहा है। ये मैं वैसे ब्रश से लिख रहा हूँ, ये कैलीग्राफी करने के लिए अच्छे अच्छे पेन भी आते हैं। आप चाहे तो पेन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उससे और सुंदर में लिखा जा सकता है ये। लेकिन अभी वैसा पेन मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं आपको ब्रश से ही लिख के दिखा रहा हूँ। और आप प्लीज़ करके हमारा वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करते रहिए। ये देखिए, और कल शाम को मैं लाइव पोर्ट्रेट बनाते हुए आप सभी को मैं दिखूंगा आयल कलर से। आपके सामने ही मैं बनाऊंगा, वो भी फ्री हैंड, कि किसी आदमी का शक्ल कैसे बनाया जाता है वो आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा से लिखा जा रहा है, मेरा भारत रहा। आप लोग प्लीज करके हमारा वीडियो लाइक शेयर करते रहिए, ताकि ऐसे ही हम आप सबके लिए रोज आया करें नए नए वीडियो लेकर।
आप सभी के लिए मेरे पास एक से एक आइटम है वो, लेकिन अभी थोड़ी सी दिक्कत ये है कि अभी वो चीज़ चाहिए वो मेरे पास अभी मौजूद नहीं है वो, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हटेगा मैं आपके लिए एक से एक आइटम लेके आऊँगा पेंटिंग से रिलेटेड, चाहे वो आर्ट हो, चाहे क्राफ्ट हो, चाहे जो भी हो। अभी मैंने एक बुद्धा भी शुरू किया है म्यूरल में, ये देखिए कितना अच्छा ये मेरा भारत लिखा गया है। आप लाइन देख सकते हैं बिल्कुल बराबर ये लाइन है, ये हालांकि मैंने का ज्यादा व्यास मैंने नहीं किया है, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा लिखा जा रहा है। और इसमें भी हम शेडिंग देंगे जिससे हमारे देश की खूबसूरती और बढ़ जाएगा, और ज़रूरी भी है, हम इस देश के नागरिक हैं तो इसकी सुंदरता के लिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के लिए अच्छा से अच्छा कुछ करें। ये देखिए मेरा भारत, ये हुआ महान आप सब हमारी वीडियो को ऐसे लाइक शेयर करते रहिए। और कल मैं एक लाइव कितने बजे आऊँगा उसके लिए मैं आपको सुबह में एक पोस्ट डाल दूँगा कि मैं कब आ रहा हूँ, आप ज़रूर से ज़रूर मेरे लाइव पे आकर, लाइव पर आकर वो आप ये देखिए, ये मैंने ये फॉन्ट मैंने हिंदी में ही लिखा है क्योंकि हम भारत देश के नागरिक हैं और हमारा जो मातृभाषा है वो है हिंदी, इसलिए मैंने हिंदी से ही शुरुआत किया है। लेकिन फिर कभी हम आपके लिए इंग्लिश में भी लेकर आएंगे। ये देखिए ये हमने लिख दिया मेरा भारत महान, अब इसमें हमको शेडिंग देना है सुंदर से, तो हम क्या करेंगे कि पहले ये पेंसिल है, पेंसिल से थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं इसके शेडिंग के लिए ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये इसकी जब शेडिंग हो जाएगी तो बहुत ही सुंदर ये लगेगा। आपको ऐसे ऐसे चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आपको और किसी के लाइफ पे आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आने वाले टाइम में। अभी बस दिक्कत यह है कि मेरे पास अभी मटेरियल नहीं है क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लाइव भी आऊँगा, ये लॉकडाउन की वजह से हमको आना पड़ रहा है। और इसीलिए मैंने ये फेसबुक पे अभी अभी ज्वाइन किया है वो, हालांकि मैं फेसबुक पे वैसे था और मैं अपना कभी फ़ोटो वीडियो पेंटिंग का जो भी फोटो शेयर मैं नहीं करता था। आप देख सकते हैं कितने बेहतर तरीके से इसकी मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। ये
ये मैं आपको सिंपल लिख कर दिखाया हूँ ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। इससे भी अलग अलग स्टाइलिश फॉन्ट आते हैं, आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए मैं मार्केट से लाऊंगा पेन जो स्पेशल इसी के लिए आता है, कैलीग्राफी के लिए ही आता है। अब ये देखिए, ये है बच्चों का कलर है, ये है क्रोन कलर है, ये है क्रेंथ कलर है, ये क्रेंस कलर है शायद, ये बच्चों वाला कलर है। तो ये इस कलर का यूज करके अभी हम इसमें शेडिंग देंगे। और ये देखिए, ये थोड़ा सा वाइट छोड़ के वो, ताकि इसका इमोज जो है ना वो बना रहे। ये देखिए, ये वाइट थोड़ा सा छोड़ के हमको इसको शेडिंग देना है। इस कलर से मैं इसलिए कर रहा हूँ अभी, क्योंकि अगर इस कलर से ना करके अगर ब्रश से करूँगा छोटे वाला ब्रश से तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैंने ये कलर को लिया है, क्योंकि आपको दिखाना है कि ये लिखा कैसे जाता है। प्लीज़ करके हमारा वीडियो लाइक और शेयर करते रहिए। आप इसको नज़दीक से भी आप देख सकते हैं ज़ूम करके कि कितना अच्छा से ये लिखा जा रहा है। ये एक्रिलिक कलर है, एक बार और हम आपको बताना चाहेंगे, ये एक्रिलिक कलर है, ये उसी से मैंने लिखा है। आप ये कमेंट आप करते रहिए, वीडियो लाइक शेयर करते रहिए। और ये लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी आसान है, कुछ दिन की ट्रेनिंग में आप सीख सकते हैं। जब आप लोग को हॉबी है पेंटिंग का, तो थोड़ा सा इसका फॉन्ट का अगर आपको ज्ञान मिल जाए थोड़ा सा, तो आप लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वेलकम उज्वला सुतार। ये थोड़ा सा बच्चों वाला जो कलर है उसको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है, क्योंकि ये जो कलर है हम बचपन में यूज किया करते थे, स्केच हो गया ये सब हुआ। तो अभी हम ये जो शेडिंग है एक साइड से कर रहे हैं, जहाँ से लाइट कलर है वहाँ से। याद रहे कि इसकी जो शेडिंग हम ऐसे दे रहे हैं ऐसे, अगर इधर से अगर रोशनी आएगा लाइट आएगा तो उस हिसाब से इसका हम शेडिंग हम दे रहे हैं, इसलिए ऐसे ही आ रहा है। इसको जल्दी करने के लिए मैंने ये वाला कलर इस्तेमाल किया है। ये और कल लाइव पोर्ट्रेट बनाने के लिए आ रहा हूँ, आप आइएगा ज़रूर। उसके बाद एक म्यूरल भी मैंने शुरू किया है लॉर्ड बुद्धा का, उसमें मैंने जो काम स्टार्ट किया है वन बाय वन आप देख सकते हैं। अभी मैंने उसमें बस मैंने फीलिंग किया है मटेरियल को, उसमें कार्विंग करना बाकी है। तो इसी बीच हम दो तीन पेंटिंग को एक साथ लेकर चल रहे हैं। एक हमने अभी इससे पहले तंजोर में भी काम किया था, जो अभी वो इनकम्प्लीट है। तो आप लोग लगातार हमारे इस लाइव पे जुड़ के
दो तीन पेंटिंग को आप आसानी से सीख सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वेलकम गिन्नी। गिन्नी जी नमस्कार। ये है कैलीग्राफी, ये मैंने एक एक्रिलिक पेंट से भी ये लिखा है। आप लोग को ये लगता है कि ये कैलीग्राफी को करने के लिए ये किसी खास आदमी की हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ दिन की मेहनत से आप सीख सकते हैं। हम क्या करते हैं, पहले ये लाल लेते हैं, ऑरेंज कलर, सॉरी, ये ऑरेंज है, ऑरेंज से मैंने ये थोड़ा सा भी इसका डार्क टोन मैंने लिया है। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। आप सभी से निवेदन है कि कल मेरे लाइव पे आइए, मैं लाइव किसी का पोर्ट्रेट बनाने वाला हूँ ऑयल पेंट से, कि कैसे बनता है वो आप देख सकते हैं। वो क्योंकि वो फेसबुक पे ज़्यादातर ऐसे लोग आते हैं जो लाइव बनाते नहीं हैं, हल्का सा बना के एक दो मिनट का वीडियो आपको बता देंगे, या जिनको नहीं आता है वो तो बनाएंगे ही नहीं, वैसे आँख बना देंगे, एक नाक बना देंगे, ये भाई हो गया, यही आता है भाई, ऐसा नहीं है। मैं आपको टोटल एक पोर्ट्रेट बना के आपको दिखाऊंगा कल, और एक आप सभी के लिए लॉर्ड बुद्धा पे मैंने काम करना शुरू किया है। ऐसे ही लाइव पे हमारे आप सभी आते रहिए, आते रहेंगे तो हमारा भी थोड़ा मन लगा रहेगा कि हाँ हमारे लाइव पे कोई आ रहा है। इसीलिए मैं भी अब चाह रहा हूँ कि आप लोग के लिए अलग अलग टाइप का पेंटिंग काम दिखाऊं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है डार्क लाइट में। आप ये सीखकर आप अपने लिए घर पे कुछ भी फॉन्ट का कुछ लिखना है, ओम लिखना हुआ, स्वागतम लिखना हुआ, चाहे एनीबॉडी कुछ भी लिखना हो, आप इस फॉन्ट के द्वारा आप लिख सकते हैं। अपने घर का नेम प्लेट हुआ वो तैयार आप कर सकते हैं, और इसी फॉन्ट को आप इस टेक्निक में भी लिख सकते हैं। इस टेक्निक से नेम प्लेट कैसे बनाया जाता है वो भी हम आपको बना के दिखाएंगे, कि नेम प्लेट उसमें आप गोल्ड भी लगा सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा ये शेडिंग आ रही है, इसलिए मैंने ये आसान वर्ड लिया है कि ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो समझने में। वैसे मैं इसको लिखने को मैं काफ़ी मैं टेढ़ा करके ऐसे वैसे भी कर सकता था, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप वो बोलेंगे तो मैं ऐसा भी नेक्स्ट टाइम में करके आपको दिखाऊंगा। ये मैंने अभी फ्री हैंड लिखा है, कोई मैंने इस पे लाइनिंग नहीं किया है, सीधा। आप सभी हमारे लॉर्ड बुद्धा को बनते हुए जरूर आप देखिएगा। ये हुआ हमारा ऑरेंज कलर। अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा हरा दे देते हैं ताकि और अच्छा लगेंगे ये। और हमको गर्व होता है
ये बोलते हुए कि मेरा भारत महान, हम इस देश के नागरिक हैं। ये देखिए कितना अच्छा ये इसकी शेडिंग आ रही है। बस जो नीचे का एरिया है, नीचे का ऐसे उसको डार्क कर देना है और जो ऐसे है उसको लाइट कर देना है। इसको अगर आप चाहते हैं कि अच्छी तरह से ये मिक्स हो तो यहाँ पे आप ऐसे इसको मिक्स आप कर सकते हैं और अच्छे ढंग से ये मिक्स हो जाएगा। ये देखिए यूट्यूब के लिए मैं वीडियो तैयारी करने के लिए मैं सोच रहा हूँ। अब मेरे पास उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है अपलोडिंग में, लेकिन मैं आप सभी के लिए यूट्यूब पे भी वीडियो डालूंगा जरूर। आप सभी कल मेरे ये देखिए ये हमारा ये बनकर तैयार है। अब इसमें अलग से कुछ अगर आप देना चाहते हैं तो इसमें आप वो दे सकते हैं कोई अलग कलर से। अलग का कलर है अभी अपने पास जो ऐसा ही एक एक मिनट, इसमें हम कुछ और आपको पत्ते उत्ते आपको बना के आपको दिखाते हैं। ये रहा कलर, इससे हम आपको थोड़ा सा और अलग कलर से आपको बना के दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ को अगर बनते हुए देखना चाहते हैं ये देखिए ये हो गया, इससे और थोड़ा सा सुंदर आ जाएगा, इसका कलरफुल थोड़ा अगर आपको आपको करना है तो भी आप कर सकते हैं हल्का सा शेडिंग में अलग से इफेक्ट अगर थोड़ा सा अगर आपको दिखाना है तो। अब इसमें ये हमारा हो गया, फ्लावर आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा हम आपको जूम करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए ओके, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हम आपसे फिर कल मिलते हैं और आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लाइव के आने के लिए। और इसी के साथ गुड नाइट, थैंक यू।